चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं खबर पंचायत। बाड़मेर के चौहटन में पुलिस ने तहसील कार्यालय से वीरात्रा चौराहे तक अतिक्रमण हटाए, सड़क पर खड़े वाहनों का चालान किया, अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई। बाड़मेर के समदड़ी में लूणी नदी के किनारे मठ खारंडिया में श्रीमाली ब्राह्मण समाज लूणी कंठा महासभा का वार्षिक अधिवेशन 14 जून को आयोजित किया जाएगा। अधिवेशन में 11 गांवों के लोग भाग लेंगे, वहीं समाज स्थान को लेकर चर्चा की जाएगी। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा कानिया गांव की पेयजल समस्या के विकराल हो जाने के चलते गाँव में हाहाकार मचा हुआ है। झालावाड़ के अकलेरा में कामखेड़ा क्षेत्र के पृथ्वीपुरा और गौड़िया गांव में जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, दोनों पक्षों के 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अजमेर के तिजारा में पुलिस ने लूटपाट और मारपीट के 6 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, कोर्ट ने 6 आरोपियों को जेल भेज दिया। चौक के देवली में सरोली मोड़ चौराहे पर अधेड़ की लाश मिली है, लावारिस अवस्था में लाश मिली, सरोली मोड़ चौकी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के मसूदा में करंट की चपेट में आने से विद्युत कर्मी की मौत हो गई, धोलादाता गांव में शटडाउन लेकर खंभे पर विद्युत कार्य कर रहा था कि अचानक करंट आने के कारण यह हादसा हुआ। चूरू के रतनगढ़ में लॉटरी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है, हजारों रुपए की लॉटरी के नाम पर हड़पने का एक व्यक्ति पर आरोप लगा है। जयकृष्णा नाम से एक लॉटरी करीब 2 वर्षों से हर महीने लाखों एकत्रित कर रही है, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। हनुमानगढ़ के भादरा में फसल में स्प्रे कर रहे किसान की जहरीले कीड़े के काटने से मौत हो गई, किसान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। चूरू के तारानगर में गौरक्षा दल ने SDM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर अलग अलग राज्यों में वन्य जीवों को मारने के आदेश का विरोध किया। भरतपुर के सीकरी में मिट्टी के कुएं के ढहने से एक युवक दब गया, मौके पर लोग उसे निकालने में जुटे हैं, मामला भटपुरा गांव का है। चूरू की सुजानगढ़ पंचायत समिति में बैठक हुई, BDO ने प्रधानमंत्री आवास योजना की सत्यापित सूची, SFC TFC की बकाया UC, मनरेगा की बकाया UC की प्रगति की जानकारी ली। झालावाड़ के भवानी मंडी में गर्मी के चलते ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, ग्रामवासियों को गांव में लगे मात्र एक नल के सहारे रहना पड़ रहा है। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में बादलों की आवाजाही रही, धूल भरी हवाओं ने लोगों को खासा परेशान किया। झुंझुनू के नवलगढ़ में एक महिला ने DSP को ज्ञापन देकर मारपीट के मुकदमे में कार्रवाई की मांग की, ज्ञापन के अनुसार कुछ लोगों ने 17 मई को उसके परिवार से मारपीट की थी। दौसा के बांदीकुई में जंक्शन के बाहर यात्रियों की सुविधा के लिए लगी हाईमास्क लाइट तिरछी होने से यात्रियों के लिए परेशानी बनी है, इसके गिरने का भी खतरा बना हुआ है लेकिन प्रशासन बेखबर है। झालावाड़ के खानपुर के डूंडा गांव में 8 लाख की लागत से निर्माणाधीन इंटरलॉकिंग सड़क के कार्य का उपप्रधान सत्येंद्र यादव ने निरीक्षण किया, उपप्रधान ने सड़क के दोनों ओर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए ग्रामीणों की समझाइश की। श्रीगंगानगर के सादुर शहर में दूषित पेयजल सप्लाई हो रहा है, प्रशिक्षु RAS ने गांव के जलदाय विभाग का निरीक्षण किया और गंदगी और अव्यवस्था के सुधार के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। करौली के मंडराल में चंबल नदी पर पक्का पुल नहीं होने से सीमावर्ती लोगों को आवागमन में भारी परेशानी होती है, चंबल पुल की मांग लंबे अरसे से चल रही है लेकिन थोती घोषणाओं के अलावा क्षेत्रीय लोगों को पुल का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। अजमेर के सुल्तानपुर में विकास अधिकारी समय सिंह पाडलिया गांव में जाकर मृतक मनरेगा श्रमिक की मां से मिले, आर्थिक सहायता राशि 25,000 की स्वीकृति पत्र सौंपा। अजमेर के पीसांगन में बिजली कटौती से रोजगारों के हाल बदहाल हैं लेकिन डिस्कॉम अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। डूंगरपुर के जौथरी में कारावाड़ा स्थित तालाब में पानी तेज गति से सूखने लगा है, तालाब में महज 15 से 20 तक चले इतना ही पानी शेष रहते ग्रामीणों को चिंता होने लगी है। पशुओं के लिए यहाँ पेयजल की समस्या गहरा सकती है, ऐसे में ग्रामीणों ने बिलपड़ बांध का पानी करावाड़ा तालाब में डालने की मांग की है। बूंदी के केशराय पाटन में लगातार बिजली की आंख मिचौली के चलते पेयजल व्यवस्था भी बाधित हो रही है। बारा के अंता में रोडवेज बसों का स्थानीय डिपो पर नहीं जाने से यात्रियों को तेज गर्मी में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, बसों के इंतजार में यात्री दुकानों पर बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं। भरतपुर के वैर में फिर गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, कस्बे में मिट्टी युक्त पानी की सप्लाई के कारण कस्बे में वायरल और दस्त के मरीजों की तादाद बढ़ रही है लेकिन विभाग मूकदर्शक बना है। चौक के उनियारा में ग्राम सेवा सहकारी समिति भवन पिछले 20 साल से अनुपयोगी है, गेट और खिड़की असामाजिक तत्व ले गए। ग्राम सेवा सहकारी समिति किराए के भवन में संचालित हो रही है, उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कोई सुध नहीं ली जा रही है। जोधपुर की ओसिया पंचायत समिति के जाटीपुरा में मानव सहित रेलवे क्रॉसिंग पर रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्र करवाया जाएगा।
झालावाड़ के डग में प्रशासन ने 41 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। इस दौरान नायब तहसीलदार और पुलिस की टीम मौजूद रही। चौकी उनियारा के बनेठा वन क्षेत्र में अवैध खनन जारी है और माफिया कई ट्रैक्टर ट्रॉली रोज अवैध खनन करके ले जाते हैं, लेकिन वन विभाग जानकारी के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। भरतपुर के हलेना में जयपुर हाईवे पर सुरक्षा के नाम पर वाहन चालकों से सुविधा शुल्क वसूला जा रहा है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। हनुमानगढ़ के रावतसर में जिला पुलिस अधीक्षक गौरव यादव द्वारा गठित विशेष दल ने ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली कूलर बेचने के धंधे का खुलासा किया। मेगा हाईवे पर सिनेमा हॉल के पास स्थित एक बर्तनों की दुकान में छापा मारकर 21 नकली कूलर जब्त किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बाड़मेर के समदड़ी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत में न्याय अधिवार शिविर का आयोजन किया गया, जहां तहसीलदार ने बंटवारा और नकल के दस्तावेज जारी किए। करौली के मासलपुर में बिजली व्यवस्था डगमगा रही है, आए दिन बिजली की समस्या बनी रहती है। ग्रामीण लोगों को अंधेरे में रात काटनी पड़ती है, भरी गर्मी से ग्रामीण लोग परेशान हो रहे हैं। करौली के टोडा भीम में नाहर खोरा रोड पर वन विभाग की जगह पर धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहा है और अतिक्रमण कर करीब 20 मकान बन चुके हैं, लेकिन प्रशासन और वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। चूरू के सालासर में वार्ड नंबर 9 में 7 दिनों से पानी की सप्लाई आती है, जिससे मोहल्लेवासी परेशान हो रहे हैं। विभाग को कई बार अवगत कराने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। चूरू के तारानगर में गर्मी के तीखे तेवर से आम जनता परेशान है, बारिश का किसानों को इंतजार है। सिरोही के आबू रोड में बंजारा युवा विकास संगठन के तत्वाधान में समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि बंजारा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रभु खरेड़ और जिलाध्यक्ष गणेश बंजारा रहे। सीकर के खंडेला में दर्जनों हरे पेड़ों को काटा जा रहा है, ये कटाई विद्युत विभाग के निर्देशों पर हो रही है। अजमेर के किशनगढ़ में पानी की समस्या को लेकर कृष्णपुरी कॉलोनी की महिलाओं ने प्रदर्शन किया, पेयजल आपूर्ति सुचारू करने की मांग की। झालावाड़ के बकानी में खुले में अवैध शराब बिक रही है, लेकिन पुलिस और विभाग कोई कार ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर के वैराना में पेयजल की किल्लत काफी समय से बनी है और कई दिनों से पानी की सप्लाई नहीं होने से लोग परेशान हो रहे हैं। सिरोही के भिंडवाड़ा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत वाटेरा में उपप्रधान की मौजूदगी में बीपीएल परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में अवैध खनन से राजस्व को करोड़ों का नुकसान हो रहा है और ब्लास्टिंग का सिलसिला लगातार जारी है। जालौर के भीनमाल में जलदाय विभाग की पाइपलाइनों और वॉल्वो में फ्लोराइड जमने से पाइप और वॉल्व खराब हो रहे हैं, जिससे पेयजल सप्लाई बाधित हो रही है। जालौर के जसवंतपुरा की पहाड़ियों में अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन खनन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति से गुजरने वाले नए हाईवे पर मुजरात के पास टोल वसूली के विरोध में क्षेत्रवासियों के स्वर उठने लगे हैं। क्षेत्रवासियों ने स्थानीय लोगों से टोल वसूली के विरोध में परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंपा। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश विदेश की तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट fastindianews.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।